जान सा भैया वापिस आ गया। बुढ़िया खामोश, हम नवाब इब्ने नवाब, हम महलों में रहते हैं, इस झोपड़ी में कैसे आए? बुढ़िया महल झोपड़ी, अरे मेरे भैया की तो याददाश्त चली गई। अरे मैं तो कहती हूँ ये पगला गए हैं, याददाश्त चली गई है इसकी। अरे मैं तो कहती हूँ उसको पागल खाने भर्ती करा दो, करा दो। बुढ़िया बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अरे ये क्या हो गया मेरे भैया को, इस उम्र में बस अब यही देखना बाकी रह गया था। अरे इसके पास इससे बड़ी पिस्तौल कहाँ से आ गई? अरे हाथ नीचे कर लो, ये तो वो खिलौना पिस्तौल है जो मेरे अब्बा मियाँ ने मुझे बचपन में दी थी तोहफे में। मुझे वैसे बबलू भैया तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये बंदूक कहाँ से आ गई? शाकिर मेरा छुरा कहाँ है? शुक्र है मेरे भाई की याददाश्त वापस आ गई। लगता है मेरे साले के दिमाग पर बड़ा गहरा असर हुआ है। ऐसा करो भैया चलो अंदर चलो कमरे में, मुझे तुम्हारी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो। मैं अंदर नहीं जाऊंगा बाजी, वो बाबा ना फिर तू नहीं देगा। भैया के जहन पे उस चुड़ैल का गहरा असर हुआ है। देखो भैया 7 दिन का कोर्स है, मैं तो कहती हूँ मुकम्मल कर लो, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग रहा है मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया है। मगर मुझे शक है, मैंने अपनी जान से कब से बात नहीं की, मेरा मोबाइल कहाँ है? और चेक करो, हो गई तसल्ली? अरे ये तो उस चुड़ैल कमबख्त मारी को भूल ही नहीं रहा। खबरदार, अगर मेरी जान को चुड़ेगा मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। अरे बबलू भैया ये पिस्तौल पिस्तौल का मजाक अच्छा नहीं है, इसे नीचे कर लो। अरे नकली पिस्तौल है, तुम क्यों डर रही हो? अरे नकली गोली भी तो लग जाती है ना, तुम्हें लगाऊं मैं? अरे बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? बाबा, बाबा को किसने पुकारा? ओ अबे एक बात बताओ, ये चुड़ैलों का शॉपिंग मॉल यहाँ क्या कर रहा है? शाकिर चुरा निकालो। रुक जा बेटा, डबल करता हूँ धुनी, रुक जा इधर आ। हाय ये मेरा भाई कब इंसान का बच्चा बनेगा, कब ठीक होगा? तुम्हारा ही भाई है, पता नहीं इंसान का बच्चा है या नहीं। हेलो, पहचाना? लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ। अनफिट होने का इरादा है? क्या मतलब? मिलने का इरादा है। पिछली बार भी आपने बोला था नहीं मिली। नहीं नहीं अब तो मिलना पड़ेगा, पता बताओ? शकूर की शॉप के साथ जो ढाबा है ना वहीं मिलेंगे। अच्छा, जहाँ मैं इजी लोड करवाती हूँ वो जगह इतनी मशहूर हो गई है, सारे लफंगे वहीं होते हैं क्या? मैं बिल्कुल शरीफ हूँ। ठीक है फिर मैं तुमसे वहीं आकर मिलती हूँ। सच में? सच में, बस तुम मेरा इंतजार करना। जल्दी आओ, मैं अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलूंगा। ओके बाय। बाय बाय। मैं कहाँ से लाऊंगी 10,000 रुपए, मुझे प्लीज फौरन 10,000 ट्रांसफर करो प्लीज। ओके जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ये तुम किससे बातें कर रहे थे, जब देखो फोन हाथ में लिए घूमते रहते हो। तुम्हें पता है मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसलिए कॉल्स आती रहती है मुझे। तो फिर जल्दी ढूंढ लो जॉब और अम्मा अबा से हमारे रिश्ते की बात करो, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस यूं समझ लो जॉब मिल गई, लाखों की जॉब मेरी मुंतजर है। अच्छा वो इतने दिनों से तुमने मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक सोने की अच्छी सी रिंग देखी है, मैं वो तुम्हें पहनाऊंगा। मंगनी से पहले ही रिंग सोच ली। अरे मंगनी से पहले ही तो रिंग देते हैं मेरी जान। चल छूटे। ओह माय गॉड जालिम, क्या बात। मैं ना बस तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तो फिर जल्दी से अम्मा अब्बा से रिश्ते की बात कर लो, तुम्हें तो पता है वो दोनों हर वक्त मेरी शादी के लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं। देखो फिक्रमंद तो वो तुम्हारे मामू के लिए भी। बस मामू जल्दी से ठीक हो जाएं। बस एक बार तुम्हारे मामू ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं बात कर लूंगा। हाँ मामू ठीक हो जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाएगी तो फिर कोई और बहाना ढूंढ लेना। तुम बहाने ढूंढते रहना और मुझे ना कोई और ब्याह के ले जाएगा। खैर मैं चलती हूँ उससे पहले कि अम्मा की आवाज़ आ जाए। एक तो वो बाबा ना पता नहीं रोज कितने कितने खानों की फरमाइशें कर देता है, पका पका के थक गई हूँ। अभी तो बस पूरे हफ्ते तुम्हारे हाथ के खाने खाने मेरी जान। ये हसीन ना अपने हसीन से हाथों से ना मैं मुंह में खाना ठूसेगी। क्या हो गया, चुड़ैल को खाना हम क्यों खाएंगे? बाबा जी ये खाना चुड़ैलों के लिए नहीं था। उस्ताद
तुम हम पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं बाबा जी, मैं आप पे भला कैसे शक कर सकता हूँ? तुम्हें पता भी है बच्चा कि चुड़ैलों को गोश्त से नफरत है। हम ये गोश्त इसलिए खा रहे हैं कि जब हमारे अंदर जाए तो हमारे अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हो जिससे हम चुड़ैलों को भस्म कर सके। अरे बाबा तो पहले हुक्म करते, मैं आपके लिए मंगवा के पकवा देता। तुम्हारी ये बात भी ठीक है बच्चा। अच्छा बाबा जी, वो मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी काम है। बोलो बच्चा। वो बात ये है कि मेरी एक जान है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो आजकल मुझसे कुछ नाराज है। बस आपकी नजर करम हो जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा। कौन नाराज है बच्चा? बताते हुए शर्म आ रही है। शर्माओ नहीं, हमको बताओ, खुलकर बताओ बच्चा। बाबा जी आपको बता रहा हूँ एक शर्त पर, आपने किसी और को नहीं बताना, खास तौर पर इस घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कौन सी बात बच्चा? बाबा जी मैं जिससे प्यार करता हूँ ना वो मुझसे नाराज है, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से वो मुझसे राजी हो जाए, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। पर बच्चा तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। हाँ वो शादी तो हो चुकी है, मगर दिल का क्या करें, वैसे भी दिल पर किसको इख्तियार है। बाबा जी मैं जो है ना गलत नहीं हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपने बच्चों की माँ बनाना चाहता हूँ। बस बाबा जी कोई ऐसा तावीज कर दे कि वो मेरे कदमों में आ जाए। बेफिक्र हो जा बच्चा, तू एक काम कर, उसको यहाँ लेकर आ, हम उस पर एक दम करेंगे, फिर वो तेरे पाँव धो धो के पिएगी। अरे बाबा जी वो तो फोन नहीं उठा रही तो मिलेगी कैसे? फिर एक काम कर बच्चा, बाबा को उसका नंबर दे। अगर मैं आपको नंबर दूं तो पक्का है कि मेरा काम हो जाएगा? तू फिक्र ही नहीं कर बच्चा, बाबा उसके नंबर पर दम करेंगे और वो तेरे इश्क में पागल होकर तेरे कदमों में आ गिरेगी बच्चा। वाह बाबा जी वाह, ये है ना, ये उसका नंबर है और ये 2000 रुपए आपका नजराना, अब तो मेरा काम हो जाएगा ना बाबा जी? बेफिक्र हो जा बच्चा, खुश रहे, समझ तेरा काम हो गया। अरे जीते रहो बाबा जी, जीते रहो, मान गया आपको। अच्छा बाबा जी मैं चलता हूँ। अब बात है यार, नंबर भी आ गया, पैसे भी आ गए, खाना भी मिल लिया है, अब सुकून से रात में मैं इस नंबर पे उससे बातें करूंगा।